राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट राइट टू रिलीजन, तीन तीन राइट से उनको एक साथ टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत बहुत तरीका है। एक ड्रेस में रहने से हम सब भाई बहन हैं। अगर हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आएगी, हमारी बहन बेटियों की माँ के लिबासों पर बात आएगी तो यकीनन, और हमारे इस्लाम पे बात आएगी तो यकीनन हम जवाब देंगे, चाहे उसकी जगह ईंट की जगह हम पत्थर से देना पड़े, लेकिन जवाब हम देंगे। कॉमन सिविल कोड इस देश में बहुत जरूरी है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक इस टाइप के विवाद उठते रहेंगे, लोगों को विभाजित करने का, सांप्रदायिक रूप से उनको आपस में लड़ाने का काम होता रहेगा। ये सब चीज़ें सहमति से आती है, और जिस दिन सहमति बनेगी और बनाई जाएगी ये चीज़ आएंगी। कर्नाटक के हिजाब मामले में आज वहां हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही है। कल ही मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था। आज तीन जज सुन रहे हैं कि स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकना क्या उनके धार्मिक अधिकार का उल्लंघन है या फिर नहीं है। जैसे ही कोर्ट से कोई भी अपडेट आएगा जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन ये मामला पहले ही कर्नाटक से निकलकर देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें कल आपने ताल ठोके में देखी भी थी। ये बहस पुरानी है और बार बार ये कहा गया है कि जब देश एक है, झंडा एक है, तो फिर अलग अलग विधान, अलग अलग कानून क्यों है? मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह एक विधान, एक कानून क्यों नहीं है? बीते हफ्ते कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक सांसद के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रश्न के जवाब में उन्हें पत्र लिखा था। कानून मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रति प्रतिबद्धता बताई थी। मामले को विधि आयोग में भेजे जाने की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई थी, लेकिन कोई वक्त नहीं बताया था कि सरकार कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। राम मंदिर बनाने और 370 हटाने के बाद बीजेपी के कोर एजेंडा की अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तीसरा बड़ा मुद्दा रहा है। इनमें से दो वादे आप जानते हैं बीजेपी पूरे कर चुकी है। देश के दो हाई कोर्ट भी सरकार को अलग अलग मौकों पर यह कह चुकी हैं कि समान नागरिक संहिता पर विचार किया जाना चाहिए। विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि कभी CAA, कभी NRC, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाकर बीजेपी टुकड़ों टुकड़ों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है। कर्नाटक के हिजाब मामले को भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है, एपिसोड माना जा रहा है। और ताल ठोक के बड़ी बहस हम करेंगे, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिजाब जैसे दूसरे कई मामलों का हल माना जा सकता है? आपको बता देते हैं इस वक्त एक बड़ा अपडेट, कर्नाटक हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लाजो बेंच इसे सुन रही है। कल इसे लाजो बेंच को रेफर किया गया था, अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाजो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब आपको सोमवार तक का इंतजार करना होगा, इसकी सुनवाई अब सोमवार को होगी। सवाल ताल ठोक के जो हम उठा रहे हैं कि क्या अब की बार एक देश एक कानून, मजहबी मतभेद तो देश कैसे बढ़ेगा, एक देश एक विधान से कौन परेशान है, और मिशन UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नजदीक है क्या मोदी और मोदी सरकार, क्या माना जाए? यूनिफॉर्म के आगे सिविल कोड है।